कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों रहेगा और कब तक रहेगा? जब तक वो इंसान आपके साथ लाइफ में नए एक्सपीरियंस को फील कर पाएगा, जब तक वो इंसान आपके साथ अपने टाइम को एंजॉय कर पाएगा और जब तक आप उस इंसान की एक्साइटमेंट आपके अंदर बनाकर रख पाओगे। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को आपके साथ ये सब कुछ फील होता है और इसीलिए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता है एंड उसके बाद आपको हो जाता है अपने पार्टनर से बहुत ही डीप वाला प्यार। फिर आप उनके बिना रह नहीं पाते, अपनी नीड अपने पार्टनर को दिखाने लगते हो, उनसे प्यार और केयर मांगने लगते हो और वहीं से आप अपनी पार्टनर की नजरों में एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन से एक चिपकू और बोरिंग इंसान बनने लगते हो। ये स्टोरी है उन ज्यादातर लोगों के बारे में जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, या यूं कहिए जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को सही से डील कैसे करते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग उस इंसान के लिए रो रहे जो इंसान उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और इसी दुनिया में ज्यादातर लोग उस इंसान को इग्नोर कर देते जो इंसान उनको रियल में प्यार कर रहा होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा साफ है, लोगों को आपके प्यार से, आपके इमोशन से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप अपने पार्टनर के माइंड में एक अट्रैक्टिव पर्सन की आइडेंटिटी बना लेते हो, उसके बाद आपका पार्टनर आपके पीछे आएगा आएगा और आएगा। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उस इंसान को प्यार भी करते हो या नहीं करते। एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर कि आप किस एटीट्यूड से अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को डील कर रहे हो। जब आपके एटीट्यूड में ये खास बात आ जाती है, उसके बाद आपका पार्टनर आपके साथ एंजॉय करेगा, नई चीजों को एक्सपीरियंस करेगा और आपके साथ उनका एक्साइटमेंट भी हमेशा बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम सबसे पहले एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे और वो एटीट्यूड होता है फियरलेस एटीट्यूड। रिलेशनशिप में कुछ लोग हमेशा एक डर में जीते हैं, उनको हमेशा ये फील होता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। इन लोगों के अंदर पार्टनर को जाने का डर बहुत ज्यादा होता है, फियर लेवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ लोगों के मामले में उनका एटीट्यूड ही रिलेशनशिप में फियरलेस होता है। उन लोगों का ऐसा महसूस नहीं होता, उन लोगों को ऐसा डर नहीं लगता कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जा भी सकता है। और फियरलेस एटीट्यूड वो अलग बात होती है और लापरवाह होना वो बिल्कुल भी अलग बात होती है। अगर आप रिलेशनशिप में फियरलेस एटीट्यूड रखते हो तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में इसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप रिलेशनशिप में लापरवाह हो गया तो डेफिनेटली इसका आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा फियर में रहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में क्या होता है? तो फियर में रहने के कारण वो लोग अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर नजर रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इमोशनली ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण उनके नेगेटिव थॉट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा फियर बन जाने के कारण वो बहुत ही ज्यादा अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके पार्टनर उनसे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगते और उनको इग्नोर करने लगते। फियर के कारण आपकी ओवरथिंकिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा दुखी रहने लगोगे और आपका कुछ भी काम करने का मन भी नहीं हो पाएगा। जैसे आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो और उसके सिवा आपकी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। इन सारी चीजों के कारण आप अपने पार्टनर की नजरों में एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग पर्सन बनने लगते हो, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है। बट वहीं पर रिलेशनशिप में जिस इंसान का अपने पार्टनर को खोने का डर नहीं है, डेफिनेटली फियरलेस एटीट्यूड के कारण उस इंसान का कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हाई होता है। जब उस कॉन्फिडेंस के साथ वो इंसान अपने पार्टनर के साथ बात करता है या अपने पार्टनर को किसी भी तरह से डील करता है, तो उनके कॉन्फिडेंस के कारण वो इंसान अपने पार्टनर को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। क्योंकि आप कुछ भी काम करोगे और उस काम को करने में आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। आपके कॉन्फिडेंस के कारण वो इंसान आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करेगा उस टाइम को ज्यादा एंजॉय करेगा और आपके साथ बिताया हुआ वो टाइम उनके मन में हमेशा एक पॉजिटिव मेमोरी बन के रहेगा। आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होने के कारण आप हमेशा अपने पार्टनर के बारे में सोचते नहीं रहोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, आप अपने काम को सही से करोगे, आप अपने टाइम को अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड करोगे और पार्टनर के बिना भी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जहां से आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस भी मिलेगी। आपकी इन सारी चीजों के कारण आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पास करने
करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में खुश भी हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए रो नहीं रहे हो, आप दिन भर उनके बारे में सोचते नहीं हो, जिसके कारण कभी भी आप अपने पार्टनर की नजरों में नीडी नहीं दिखोगे और जिसके कारण आप अपने पार्टनर की नजरों में एक परफेक्ट पर्सन की आइडेंटिटी बना पाओगे। और तो और इससे आप अपने पार्टनर को इमोशनली ज्यादा मैच्योर पर्सन भी दिखोगे, जिसके कारण आपके पार्टनर का अटेंशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। अब उतने ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं और वो एटीट्यूड है लेस डिमांडिंग एटीट्यूड। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपने इससे पहले ही अपने पार्टनर के सामने बहुत ज्यादा डिमांड रख दी है कि आपको उनका टाइम चाहिए, आपको उनका प्यार और केयर भी चाहिए। और ये होती है आपकी रिलेशनशिप में अब तक की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के सामने जिस भी चीज की डिमांड करोगे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि वो चीज आपको मिलने लगेगी। एंड रिलेशनशिप में जिस चीज की आप डिमांड नहीं करते या ऐसा शो करते हो कि उस चीज की आपको नीड ही नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका पार्टनर सामने से आपके लिए वो चीज करने लगेगा। जैसे कि आप रिलेशनशिप में ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको टाइम दे, तो आप ये दिखाने की बजाय कि आपको टाइम चाहिए, आपको ऐसा शो करना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के टाइम के बिना भी, यानी कि उनके साथ बात किए बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पहले से ही खुश हो। आपको खुश होने के लिए उनके टाइम की नीड नहीं है। आपके पार्टनर का आपके साथ बात करने का मन, बात करने की जो उनकी डिजायर है ना, वो पहले से ज्यादा बढ़ेगी। पार्टनर के साथ हमारी बात करने की एक्साइटमेंट कई बार इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा होता। बट यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम अपने पार्टनर को पहले ये शो करते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हें टाइम देने के लिए बहुत ही पहले से रेडी है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये डिजायर बनी भी नहीं है कि उनको आपके साथ बात करनी है, उससे पहले आप उनको ये शो कर देते हो कि अगर तुम बात करना चाहते हो तो हम टाइम देने के लिए रेडी है, तो उनके अंदर कभी भी आपके साथ बात करने की उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बन पाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट दे, तो आप अपने पार्टनर को शादी की कमिटमेंट के लिए फोर्स ना करो और बार बार शादी की बात भी मत करो, क्योंकि आप शादी की कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर को जितना ज्यादा फोर्स करोगे, आपके पार्टनर का शादी करने के लिए जो एक्साइटमेंट है और जो उनका इंटरेस्ट है उतना ही ज्यादा कम होगा। क्योंकि जो इंसान आपके साथ शादी करने के लिए ऑलरेडी पहले से ही तैयार है, उनके लिए इंटरेस्ट बन पाना और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। बात तो तब बनेगी जब आपको सामने वाले इंसान के बारे में कंफर्म पता भी नहीं होगा कि वो इंसान आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तब आपकी एक्साइटमेंट और आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली ज्यादा बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के मन में शादी के रिलेटेड बात डाल देनी है और उसके बाद अपने पार्टनर को ऐसा शो करना है कि आपने उनके साथ शादी करने के बारे में अब तक सोचा भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल वे में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि इसको रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई करते हो, तो साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन के ऊपर मैंने एक ईबुक पहले से लिखी हुई और उसका एक ऑडियो बुक भी बनाया है। आप आसानी से मेरी वेबसाइट पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे एटीट्यूड के बारे में, जो है चैलेंजर एटीट्यूड। इंसान के मन की साइकोलॉजी ये पहले से रही है कि जिस काम को करने के लिए उनको मना किया जाए, जिस काम को करने के लिए उनको रोका जाए, वो उस काम को करने के लिए पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अगर इस तरह से किसी इंसान को एक चैलेंज दिया जाए कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, हम तुम्हें रोकेंगे और हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तो वो चीज करने के लिए वो इंसान पहले से ज्यादा फोकस हो जाता है और उस चीज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, चाहे सामने वाला इंसान कोई भी क्यों ना हो। एक लड़का और लड़के एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आपस में शादी करना चाहते थे, बट यहाँ पर दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए एग्री नहीं थे और यहीं पर दोनों को एक चैलेंज मिलता है कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। फिर क्या था, दोनों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 2 साल मेहनत की और फाइनली दोनों के पेरेंट्स को उनकी जीत के सामने हारना पड़ा और शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। बट उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 2 साल लगाए थे, पेरेंट्स के कन्विंस होने के बाद वो खुद दोनों शादी करना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपनी शादी कैंसिल कर दी,
ये कहते हुए कि उनके पेरेंट्स खुशी खुशी उनकी शादी नहीं करवा रहे, ये तो उनकी जिद के सामने मजबूर होकर हाँ बोल रहे हैं। ये बात उन दोनों को पता थी कि दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए खुश नहीं है, फिर भी उन दोनों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, और इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल क्यों की। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि दोनों को एक चैलेंज मिला था कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। बट मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने पार्टनर को कभी चैलेंज देते हो? क्या आपका पार्टनर जब चाहे तब आपके साथ बात कर सकता है? क्या आपका पार्टनर जब चाहे तब आपको मिल सकता है? क्या आसानी से आपके पार्टनर को आपका प्यार और केयर मिल जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को चैलेंज नहीं दे रहे हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इसलिए ये हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपके पार्टनर को आपके साथ बात करने से ज्यादा अच्छा लगे उनके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। आपका पार्टनर आपके साथ बात करना चाहे तो आपको कभी कभी अपने पार्टनर को ये बोलना चाहिए कि अभी आप बिजी हो और आप बाद में उनसे बात करोगे। कभी कभी अपने पार्टनर के साथ बाहर जाने का या मिलने का प्लान बनाने के बाद उस प्लान को आखिरी मोमेंट में कैंसिल करना चाहिए, ताकि आपको मिलने का डिजायर उनका और ज्यादा बढ़ जाए। हमेशा सामने से अपने पार्टनर को केयर और लव कम शो करो। आपके पार्टनर के अंदर आपके प्यार को आपकी केयर को पाने की डिजायर पहले बनने दो, क्योंकि अगर बिना मांगे आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करोगे, बहुत ज्यादा उनकी केयर करोगे, तो हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम के बाद आपके पार्टनर के अंदर आपके प्यार के लिए जो डिजायर है वही खत्म हो जाए। अब बात करेंगे चौथे एटीट्यूड के बारे में, जो है वैरायटीज ऑफ एक्सपीरियंस। जो इंसान आज आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, जिस इंसान ने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अगर आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा प्यार दो तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है कि एक टाइम के बाद वो इंसान आपके प्यार से थकने लगे। पॉसिबल है कि वो इंसान जो आज आपके लिए सब कुछ छोड़ रहा है, वो इंसान एक टाइम के बाद आपको भी इग्नोर कर सकता है, इवन आपको छोड़ भी सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में हमेशा नए नए एक्सपीरियंस फील करना चाहता है। हो सकता है आज जिस एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा पागल है, उस एक्सपीरियंस से एक टाइम के बाद वो बोर भी हो सकता है। दुबई में एक औरत अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है और कोर्ट में ये बताती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ है, और उनके प्यार के कारण उनकी लाइफ में कोई तकलीफ आ ही नहीं पाती, और एक तरह की लाइफ से वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है और अपनी लाइफ में कुछ अलग फील करना चाहती है कि प्रॉब्लम्स होती भी क्या है, क्योंकि अपनी लाइफ में एक तरह की खुशियों से बोर हो गई थी। हमेशा याद रखो कि आप अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा प्यार करोगे, आपका पार्टनर भी आपको उतना ज़्यादा प्यार करेगा, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी अपने पार्टनर से दूर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बिना वो कभी कभी अकेला फील करे ये भी जरूरी होता है, तभी तो वो आपको मिस करेंगे। कभी कभी रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में हमेशा सही नहीं होना चाहिए, कभी कभार छोटे छोटे झगड़े भी होने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को कुछ अलग एक्सपीरियंस फील कराता है, जिसके कारण आपका रिलेशन ओवरऑल स्ट्रोंग भी बनता है। कभी कभी अगर आपके रिलेशन में ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है जहां पर आपका पार्टनर डर जाता है, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एक फियर है जिनको आपका पार्टनर आपके रिलेशन में फील करता है, तो ये आपके रिलेशन के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। रिलेशनशिप में लोग बहुत ही जल्दी अपने पार्टनर से बोर होने लगते हैं, क्योंकि उनका पार्टनर हमेशा उनको खुश करने की कोशिश करता रहता है। आपका पार्टनर ये नहीं चाहता कि आप हमेशा उनको खुश करो, लेकिन वो ये चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में हमेशा वो नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक टाइम के बाद लोग प्यार से पकने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।